हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली पर रेखाओं के अलावा कई तरह के निशान और आकृतियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ निशान शुभ माने जाते हैं तो कुछ निशान अशुभ। आइए जानते हैं पांच ऐसे शुभ निशुभ के बारे में, जिनमें से कोई एक होने पर भी उस व्यक्ति को मान सम्मान और धन का लाभ मिलता है। त्रिशूल। त्रिशूल का निशान बहुत ही कम लोगों के हाथ में होता है। ये निशान होने से व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं और मान सम्मान मिलता है। रथ। जिस किसी के हाथ में रथ जैसा निशान बनता है उसका जीवन राजा की तरह बीतता है। स्वास्तिक। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का निशान बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस किसी की हथेली पर ये निशान पाया जाता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। समाज में उसका हमेशा मान सम्मान बढ़ता है। मछली का निशान। मछली का निशान भी बहुत शुभ माना जाता है। जिसके हाथ में ये निशान होता है वो एक स्थान पर कभी भी नहीं टिक पाता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान और धन का लाभ मिलता है। झंडा। हथेली पर झंडे का निशान संपन्नता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। जिस किसी की हथेली पर झंडे का निशान पाया जाता है अंत में जीत उसी की होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।